ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर वो मुकाम है कि जहाँ पर पूरी दुनिया से तमाम तर मुसलमान जाने के लिए और उनके जिस्मों में मौजूद रूह तड़पती रहती है। नज़रीन किराम, हर खुदावंदे करीम के बंदे की मुकम्मल तौर पर यह ख्वाहिश रहती है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार कर ले, और बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह के घर का दीदार नसीब होता है। हम सब भी मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अपने घर आने की तौफीक दे। आप भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर कहिएगा। आज की वीडियो के अंदर नज़रीन किराम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही रूह परवर मंजर, इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मंजर, जो कि खुदावंद करीम के घर के सहन में देखा गया। एक बंदा जब वहां पर खाना काबा के सहन में नमाज अदा कर रहा था तो उसके ऊपर आकर कहीं से एक परिंदा बैठ गया, जो दिखने के अंदर कुछ लोगों के मुताबिक एक कबूतर था, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये एक फाख्ता थी। अब नज़रीन किराम, ये जो कुछ भी था, लेकिन इस मंजर को देखकर लोगों ने यही कहा कि शायद ये एक फरिश्ता था जो कि किसी परिंदे के रूप में मौजूद था और नमाज के मुकम्मल तौर पर सर के ऊपर बैठा रहा। आकर वो मुकम्मल तौर पर रुकू में जाता तो भी उसके सर पर मौजूद था, वो सजूद की हालत में था तो भी उसके ऊपर मौजूद था, और ये खूबसूरत मंजर देखकर लोग कहते रहे कि शायद इस शख्स के ऊपर खुदावंद करीम का कोई खास रहम और फजल था कि इस शख्स के ऊपर यहाँ पर इतनी रहमतें, बरकतें और यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें नाजिल हो रही थी, और इस शख्स ने इस कबूतर को या फाख्ता को अपने सर से उड़ाया भी नहीं। अब नज़रीन किराम, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत सी हवाले से बातें देखनी जा रही हैं, लेकिन ये मंजर इस कदर खूबसूरत है कि देखने वाले इसको देखकर बहुत ही ज्यादा सराहते भी रहे, इसको शेयर करते रहे। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए देखने और सुनने वालों को हमारे चैनल से अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।